राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम दादाजी भाग चार। शेर जंग गर्ग द्वारा लिखित इस आलेख को प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। और आओ अब सुने दादाजी क्या कहते हैं। पक्षी उड़ते फर फर फर, पक्षी उड़ते फर फर फर, पशु चलते हैं धरती पर, पशु चलते हैं धरती पर। अच्छी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, राम राम। राम राम दादाजी। राम 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 राम। हाँ तो कल हमने तुम्हारे साथ पशु पक्षियों के बारे में बातचीत की थी ना। हाँ दादाजी की थी। हाँ, कि जो ना उड़े वो पशु और जो उड़े वो पक्षी। क्या? जो उड़े वो पक्षी, जो ना उड़े वो पशु। हाँ, और बच्चों आज तुम्हारे दादाजी तुम्हें एक ऐसे अजीब जंतु की कहानी सुनाएंगे जो उड़ता तो है मगर जिसे पक्षियों की बिरादरी में शामिल नहीं किया जाता। और मजे की बात तो ये है कि अपने बच्चों को वो दूध तो पिलाता है मगर उसे पशुओं की बिरादरी से बाहर रखा जाता है। दादाजी ये तो इधर भी और उधर भी, यानी पक्षी और पशु, यानी कुछ भी नहीं है। भाई कुछ भी नहीं कैसे हुआ? भाई कुछ तो है ना, वो पशु है ना पक्षी। पहले हम तुम्हें इसका नाम बताते हैं। इसका नाम है चमगादड़। क्या? चमगादड़। हाँ, कभी सुना है तुमने ये नाम? बोलो बोलो, सुना है? क्या कहा, नहीं सुना? अच्छा तो बच्चों, वो बच्चे हाथ उठाएं जिन्होंने ये नाम सुना है। हाँ हाँ, ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा अब वो बच्चे अपने हाथ उठाएं जिन्होंने नहीं सुना, यानी चमगादड़। दादाजी मैंने अपनी पड़ोस की हवेली में चमगादड़ों को लटका हुआ देखा है दादाजी, पर उस कहानी का क्या हुआ? नन्हे मुन्ने बच्चों, एक बार हुआ यूं कि जंगल में उड़ने वाले और ना उड़ने वाले जानवरों यानी पक्षियों और पशुओं में भयंकर लड़ाई छिड़ गई। दादाजी तब तो बड़ा ही मजा आया होगा। अरे भाई बताते हैं बताते हैं, वहाँ एक दूसरे के सिर फूट गए और तुम कहते हो बड़ा मजा आया होगा। तो भाई हुआ यूं कि एक तरफ थे तोता, मैना, कबूतर, चील, कौआ, कोयल, मुर्गी, मुर्गा, मोर, तीतर और बहुत से पक्षी शामिल हो गए। और दूसरी तरफ थे शेर, भालू, चीता, भैंस, गाय, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, ऊंट, हाथी और भी बहुत से। तो फिर क्या हुआ दादाजी? अरे होना क्या था, दोनों तरफ से बड़ी जोरों से मारा मारी शुरू हो गई। मगर चमगादड़ चुपचाप एक पेड़ से लटका लटका सारी लड़ाई देखता रहा। और जैसे ही उसने देखा कि पशुओं के हमले से सारे पक्षी घबरा गए हैं
तो वो चुपके से पशुओं की कतार में जा घुसा और मारो 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 पकड़ो पकड़ो इस तरह का शोर मचाने लगा। दादाजी चमगादड़ पशुओं में जा मिला? और क्या, पशुओं ने जब चमगादड़ को शोर मचाते देखा तो उनमें खलबली मच गई। अरे ये पक्षी यानी चिड़िया हमारे बीच कहां से आई? मगर चमगादड़ ने गिड़गिड़ाकर कहा, नहीं नहीं मुझे पक्षी मत कहो, मुझे पक्षी मत कहो, अरे मैं तो पशु हूं पशु, देखो मेरे मुंह में दांत हैं चोंच नहीं है, अरे मैं भी तुम्हारी तरह बच्चे देता हूं अंडे नहीं। ये बात दूसरी है कि मैं कुछ उड़ भी लेता हूं, पर इससे मेरी जाति तो नहीं बदल जाती। भगवान के लिए मुझे पक्षी मत कहो मत कहो। दादाजी तो फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, बस सारे पशु चमगादड़ की बातें सुनकर मान गए कि अरे हां ये भी पशु है, इसके भी तो हमारी तरह दांत हैं और ये भी पक्षियों की तरह अंडे नहीं देता बच्चे देता है। तब तो दादाजी चमगादड़ मां जी बना रहा होगा। हां वही हुआ, लड़ाई में जीतने के बाद सारे पशु वहां खुश थे, सब के सब नाचने गाने लगे, बढ़िया खाना मंगाया गया और सब हंसी खुशी खाने लगे। दादाजी चमगादड़ भी खूब मजे से खा पी रहा होगा। पर प्यारे बच्चों उस समय जब पक्षियों ने देखा कि सारे पशु खा पीकर आराम से औंधे पड़े हैं तो उन्होंने उन पर हमला बोल दिया और ऐसा जोर का हमला बोला कि सारे पशु भाग खड़े हुए। पर बच्चों पशु तो सारे भाग गए मगर चमगादड़ पीछे ही खड़ा रहा और चिल्लाता रहा, मारो मारो भाग गए आहा भाग गए भाग गए भाग गए आहा। दादाजी चमगादड़ क्यों नहीं भागा उनों के साथ? यही तो चालाकी की उसने। जब पक्षियों ने चमगादड़ का शोर सुना तो उल्लू ने कहा, अरे ये पशु कौन है, मारो इसे, ये हमारे बीच क्यों आ गया? तभी चमगादड़ गिड़गिड़ाकर बोला, भाइयों तुम लोग मुझे पशु कहते हो, अरे मैं तो पक्षी हूं पक्षी। देखते नहीं मैं भी तुम सबकी तरह उड़ सकता हूं। सारे पक्षी चमगादड़ की बात सुनकर भाग गए और अपनी जीत की खुशी में खुशियां मनाने लगे। दादाजी चमगादड़ तो बड़ा ही चालाक निकला, तो फिर क्या हुआ? अरे भाई तो इसमें पूछने की क्या बात है, जब दोनों तरफ से जान माल का बहुत नुकसान हो गया तो फिर ये लड़ाई और कितने दिन चल सकती थी। आखिरकार पशु पक्षियों में मेल मिलाप हो गया, समझौता ये हुआ कि पक्षी उड़ें आकाश में और पशु धरती पर शान से टहलें घूमें सैर करें। लड़ाई बंद, लड़ाई हमेशा हमेशा के लिए बंद। दादाजी चमगादड़ गया कहां? भाई इसमें पूछने की क्या बात है, चमगादड़ ना इधर ना उधर बस बीच में लटक कर रह गया। पक्षियों से दुश्मनी निभाने निकला था मगर पशुओं ने उसे अपनाया नहीं, बल्कि अपनी पिटाई और अपमान के लिए चमगादड़ को ही दोषी ठहराया। तो दादाजी चमगादड़ गया कहां? अरे भाई जाना कहां था, बस
पशुओं और पक्षियों के बीच लटक कर रह गया, सो अभी तक उसी तरह लटका हुआ है। दरअसल फिर तो चमगादड़ अपने लटकने के लिए दुनिया भर में मशहूर हो गया, छत के नीचे या गुंबद में। छत के नीचे या गुंबद में। छत के नीचे या गुंबद में। छत के नीचे या गुंबद में लटक रहे चमगादड़ भाई। लटक रहे चमगादड़ भाई आसमान में दिन ढलते ही। आसमान में दिन ढलते ही निकल पड़े चमगादड़ भाई। निकल पड़े चमगादड़ भाई। प्यारे बच्चों, तुम भी हमारे साथ बोलो, छत के नीचे या गुंबद में लटक रहे चमगादड़ भाई। आसमान में दिन ढलते ही निकल पड़े चमगादड़ भाई। वाह 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 वाह। दादाजी, चमगादड़ दिन ढलते ही क्यों निकलते हैं? ओए होए, तुम्हें ये भी नहीं मालूम? नहीं दादाजी। अरे प्यारे प्यारे बच्चों, चमगादड़ दिन ढलने के बाद ही निकलते हैं। पूछो क्यों? अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है, चमगादड़ को सूरज की रोशनी में दिखाई नहीं देता, उसे अंधेरे में ही दिखाई देता है। तो नन्हे मुन्ने बच्चों, अरे भाई अंधेरा तो कब का खत्म हो चुका, देखो ना सूरज की रोशनी कैसी चमक रही है। तो अब तुम्हारे दादाजी भी चलते हैं। पूछो क्यों? क्यों? अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है, भाई मुझे भी तो अपने पशु पक्षियों को दाने पानी का इंतजाम करना है, कहीं ऐसा ना हो कि भूखे पेट पशु पक्षियों की मेरे घर में ही लड़ाई छिड़ जाए और मैं उन दोनों के बीच चमगादड़ की तरह लटका ही रह जाऊं। अरे क्या ही, 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 ही। अच्छा बच्चों, राम राम। राम राम दादाजी। राम राम दादाजी, कल भी मिलेंगे। जरूर मिलेंगे। राम राम। राम राम दादाजी। राम राम। राम राम दादाजी। भाई दादाजी ने कहानी बड़े मजेदार सुनाई। किसकी कहानी थी? चमगादड़ की कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी क्या तुम अपने आप एक दूसरे को सुना सकते हो? हाँ, अगर नहीं सुना पाओ तो तुम गुरुजी से पूछ लेना। और अब कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। जय हिंद।